भाजपा के जमाल सिद्दीकी के खिलाफ हजरत मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन दरबार शरीफ परिसर में बिना अनुमति के योग कार्यक्रम का आयोजन किए जाने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग नागपुर जिला अध्यक्ष शेख वसीम लाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों ने सकरदरा पुलिस थाने में पुलिस निरीक्षक को जमाल सिद्दीकी और उनके साथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन पत्र सौंपा है। इस समय वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्य नागपुर अध्यक्ष रिजवान अंसारी भी उपस्थित थे। बता दें कि मंगलवार को योग दिवस पर हजरत मोहम्मद सैयद बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ परिसर में भाजपा के जमाल सिद्दीकी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगा अभ्यास किया था। योग दिन के इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, साथ ही यह अभ्यास जा नमाज बिछा कर किया गया। मुस्लिम धर्म में जा नमाज बिछा कर नमाज पढ़ी जाती है, जिससे दरबार के लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जो मुस्लिम समाज में रोष का विषय बना हुआ है। इस कारण भाजपा के जमाल सिद्दीकी और उनके साथी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग नागपुर की ओर से की जा रही है। 21 तारीख को योगा दिवस था, पूरे देश का योगा दिवस था, और इस योगा दिवस के उपलक्ष्य में हमने भी, हमारे पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, हमने भी योगा दिवस मनाया है। लेकिन उसको नियम के हिसाब से, जो नियम है उस नियम के हिसाब से मनाया गया है। लेकिन अभी जो ताजाबाग शरीफ में जो एक योगा दिवस देखने में आया है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आघाड़ी के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब, जिन्होंने आकर ताजाबाग शरीफ में अवैध तरीके से योगा किया, तो ये जो योगा किया गया है दरबार में, ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। दरबार में इबादत करने की जाती है, श्रद्धालु आकर सभी वहाँ पर अपनी समस्या लेकर बाबा जान के दरबार में आकर के अपनी समस्या हल करते हैं, और वो इबादत करने की जगह है। अगर आपको योगा करना ही था और योगा करने की आपकी इच्छा थी, तो आप नागपुर सुधार प्रन्यास के, महानगर पालिका के बड़े बड़े गार्डन, बड़े बड़े यहाँ पर बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर के योगा कर सकते थे। लेकिन आप दरबार में इस तरीके से आकर के हमारी नमाज पढ़ने की आप जानामाज बिछा रहे हो, और जानामाज बिछा कर उसके ऊपर में बैठ कर के आप योगा कर रहे हो, बाबा जान के दरबार की तरफ लात कर रहे हो, ये क्या है? अब जैसा कि आपका सवाल है, तो ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये जो है जन जन से जुड़ा हुआ सवाल है, लोगों की भावनाओं का सवाल है। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, बल्कि जो अलग अलग समुदाय के मानने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आज भावनाएं आयात हुई है। अब चूँकि जमाल सिद्दीकी एक खुद देश की बहुत बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनकी ये बेतुकाना हरकत सभी समाज के मानने वालों के दिल को आहत करी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आज जिस तरह से हमारे भाई वसीम लाला ने कहा, उनके ऊपर तो एक्शन लेना ही चाहिए। एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए कि भविष्य के अंदर कोई भी ऐसी गलती दोबारा ना कर सके, और एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए कि वो तो खुद एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति होने के बाद उन्होंने ये हरकत करे। अगर ये कोई, अगर किसी दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता और अगर वो हरकत करता, तो आज शायद इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता, दंगे हो जाते। अगर ये, अगर इनके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया गया, तो ये दूसरे समुदाय के बोलने का मौका मिल जाएगा कि जब तुम्हारे समुदाय के लोग, खुद तुम्हारे समुदाय के लोग अगर ये हरकत करते हैं और उसके बाद तुम उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते, तो आपको दूसरे समुदाय के लोगों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BC News, नागपुर।